हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट की, राइट? तो दीपक नाइट्राइट का हम 4 मई का टारगेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सहारा लेंगे चार्ट की, नंबर 2 RSI, नंबर 3 हम ऑप्शन चेन। इफ एनी चार्ट, RSI, ऑप्शन चेन, तीन चीजों के दम पे हम जो है इसका चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट RSI पे। RSI देखिए, ये RSI का चार्ट मैंने लगा हुआ है 76.76 पे चल रहा है। 30 से 80 के बीच अगर आप मेरे वीडियो को कवर करते हैं और मेरे वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि 30 to 80 RSI की रेंज लगभग लगभग एक टेक्निकल इंडिकेटर है ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन की। 30 के आसपास होता है शेयर तो ओवरसोल्ड जोन में है, 80 के आसपास होता है शेयर ओवरबॉट जोन में है। ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और ओवरबॉट का मतलब क्या है कि यहाँ से एक बाउंस बैक नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी देखिए 76 चल रहा है, ये ज्यादा नजदीक है 80 के, मीन्स शेयर लगभग लगभग ओवरबॉट जोन के आसपास चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक जो टेक्निकल इंडिकेटर एक बाउंस बैक नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा RSI बता रहा है। जरूरी नहीं कि ये नीचे ही है, लेकिन RSI इंडिकेटर एक है तो जो बताता है, तो RSI इंडिकेटर बोला नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन हम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा चार्ट के दम पे देखेंगे। हम चार्ट पे चलते हैं। कितना बढ़िया चार्ट लगा हुआ है आप देखिए, सीधा 30 अप्रैल को बहुत दिन तक ये देखिए कंसोलिडेशन फेज में था, 30 अप्रैल के आसपास ही ये घूम रहा था आप देखिए, राइट? तो 30 अप्रैल के आसपास ये देखिए 27 अप्रैल को ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ये लगभग 1634 रुपए से ये वाला जोन पे गया था। कौन सा जोन? लगभग 1700 समथिंग पल पे, यहाँ पे 1700 समथिंग, 2-3 दिन, लगभग 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और एक दिन, 3 दिन जो है ये 1700 के आसपास जो है घूम रहा था, 1700 समथिंग करके। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, कब ब्रेकआउट दिया? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को शेयर जो है 1897 रुपए 19 के आसपास चला गया। अब 3 मई को इसने ब्रेकआउट दिया एक नया फ्रेंड्स 1942 रुपए के आसपास। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा कि 1942 रुपए के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, आज इसकी जर्नी जो है कैसी हो सकती है। अब चूंकि शेयर देखिए, अगर ये बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाएगा तो जितने पॉइंट का जंप यहाँ पे मारा था 1861 से लगभग 1938, लगभग 101 पॉइंट का जंप था, 90-80 पॉइंट का जंप था। तो अगर जंप मारेगा तो यहाँ से जो है उतने पॉइंट का जंप मारेगा। अभी 1906 रुपये क्लोजिंग हुई है, तो लगभग 2000 रुपये के आसपास जो है एक जंप में जा सकता अगर जंप मारा तो। लेकिन एग्जैक्टली इसका टारगेट क्या बनता है, ये चार्ट से चूंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसलिए अब ऊपर का कहाँ तक जाएगा ये कहना चार्ट से मुश्किल है। उसके लिए हम चलेंगे अपने तीसरे टूल, पावरफुल टूल, किससे? अगर आप वीडियो देखते होंगे मेरा तो जानते होंगे, और ऑप्शन चेन। यहां से पता चलेगा कि कहां तक जाएगा। सी, स्पॉट प्राइस है इसका 1904 रुपए, राइट? 1920 रुपए पे कितने कॉल आई हुई है? 77,000। 1940 पे 2,54,000। 1960 पे 84,000। 1980 पे 41,000। 2000 पे 16,32,000। अब दिख गया बाबूजी क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुई है आपको सीधा दिख रहा है, नंबर 1 पे देखिए 16 लाख, इतना 2 लाख 2 लाख, तो लाख में 2 ही है, 16 लाख 2 लाख। तो 2000 पे कॉल राइटिंग चल रही है, 16,32,000 ये नंबर 1 पे है कॉल राइटिंग में। उसके बाद 2 लाख की कॉल राइटिंग है तो नंबर 2 पे है। तो सबसे पहला टारगेट जिसका 2000 रुपये, ऐसा कॉल राइटर मान रहे हैं जो कॉल राइटिंग 16 लाख की कॉल राइटिंग करके बैठे, उनका मानना है कि 2000 रुपये तक जाएगा। सो टारगेट 1 आप मान लीजिए 2000 रुपये तक इसको जाना चाहिए सीधा सीधा, जो इतनी ज्यादा कॉल लाइटिंग होके दिख रही है आज तक चली जानी चाहिए। उसके पहले एक थोड़ा सा 1940 रुपए के पास हर्डल है, 1940 थोड़ा सा क्रॉस किया तो सीधा का सीधा जो है बहुत अच्छा ऑप्शन चेन इसका बना हुआ है। देखिए सीधा ऑप्शन चेन में कोई कहीं कॉल लाइटर नहीं लगे हुए, थोड़ा मोड़ा 1940 पे सीधा जो है 2000 के लेवल पे मोटा मुनाफा कॉल लाइटर ही बनाएंगे। तो आप भी जो है सीधा 2000 का टारगेट प्राइस अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 2000 रुपए तक ये जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।